जी जैसा कि अभी जो वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी उस बात को कहा और मैं भी कहूंगा, एक दौर था भारतीय राजनीति में जिसके ऊपर जितने ज्यादा मुकदमे होते थे वो उतना बड़ा नेता कहलाता था और टिकट का उतना बड़ा दावेदार होता था। ये भी एक समय था। खैर अब इसका चलन कम हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस चीज को 2017 में लागू किया, चुनाव हार गए दूसरी बात है, लेकिन अपराधियों से दूर रहने का जो फैसला किया वो एक नजीर है भारतीय राजनीति में, उसके परिणाम कुछ भी हो उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा। देखिए अगर इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अगर इस पे कुछ कार्रवाई करना चाहे और कठोर कदम लेना चाहे तब तो आज के इस वातावरण में पॉसिबल है, लेकिन अगर वो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये उम्मीद करे कि वो इसका सहयोग करेंगे और वो ऐसा कोई कानून बना पाएंगे या ऐसा ब्यौरा ला के उस पर कोई कठोर कार्रवाई कर पाएंगे, उसमें मुझे कहीं ना कहीं दुविधा लगती है मानसू जी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की सिर्फ बात करना चाहता हो उस पर काम न करना चाहता हो तो आप सिर्फ बात करने से ही अगर किसी चीज को रोक लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाजपा ने अभी पिछले 3 सालों में किया है सिर्फ बातें की हैं, उस पर काम नहीं किया। मैं तो चाहूंगा कि अगर आप किसी ऐसे अपराधी को सजा देना चाहते हैं, एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, तो मौजूदा सरकार में कोई मिनिस्टर हो जो भी है अगर जिसके ऊपर केसेस है सबसे पहले उस पर बैन करे तो आने वाले सरकारों के लिए वो नजीर साबित होगा और आने वाले समय में इस बात को वो मौजूदा सरकारें कह सकती हैं कि हमने अपने शासनकाल में अमुक व्यक्ति को इस पे पाबंदी की, इसको चुनाव लड़ने से रोका, इस पे हमने इस तरह की कार्रवाई की। लेकिन राजनीति में बिल्कुल उलट है हिमांशु जी, यहाँ पे तो प्रतिद्वंदियों पे कैसे किया जा सकता है, जैसे हमारे वरिष्ठ वकील ने कहा कि ये कौन जीत सकता है, उसके लिए फिर चाहे विपक्षियों को जेल भेजना पड़े, उसके ऊपर CBI थोपनी पड़े, चाहे और इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हिमांशु जी अगर आप आसानी से चाहें कि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मुकदमे जो होते हैं उसका मैं दावे से कह रहा हूं जितने दिन की मेरी राजनीति है 50% से ज्यादा मुकदमे तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लादे जाते हैं कि इनको बदनाम किया जाए, वो दोषी भी नहीं होते हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो पुलिस का प्रयोग करके, CBI का प्रयोग करके और तमाम सारी एजेंसियों का प्रयोग करके उनके ऊपर जबरदस्ती उनको अपराधी बना, नहीं लेकिन मनोज यादव एक्चुअल अपराधी हैं, नहीं मनोज यादव जी, लेकिन मनोज यादव जी लेकिन अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बागी नेताओं बागी विधायकों की बात यहां पर की जाती है, कुछ आंकड़े यहां पर निकल के सामने आते हैं, 403 विधायकों में से 47% यानी 189 विधायकों की बात की जाती है तो वो यहां पर दागी बताए जाते हैं।